Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight me, hum shuru kare. Metal, hum spin kare. Dar ko tu bhul ja, ab aage tu bad ja. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Dikha de, kitna hai tum. Tu kisi se nahi kam. Tu fan sa ban ja, aandhi ban ke. Time on Beyblade! Kenta is advancing through another exciting challenge tournament when a mysterious and unscheduled blader challenges him to a match. Kenta's opponent claims to be Jenga's apprentice, and to the crowd's amazement, he uses Jenga's special move, the Cyber Starblast Attack. However, the move fails, and Kenta wins the match. Kenta follows the blader, whose name is Sora, and the two become friends. They begin to travel and train together. Sora's skills improve as he and his bae compete in the next challenge match. He tries to remember what Jenga taught him, but in the end, he learns that trying to copy Jenga's moves is not the best way to go. Sora loses, and it's back to the old drawing board. मिनट दुनिया के किसी ना किसी कोने में बेब्लेड का शानदार मुकाबला चल रहा है. वो ब्लेडर्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बेब्लेड के नाम कर दी है, हमें उन्हें एक ही बात कहनी है, गो बैटल ब्लेडर्स. आज मैं सभी ब्लेडर्स के लिए एक बहुत ही खास खबर लेकर आया हूँ. गौर से सुनिए दोस्तों, अगर तुम ये जीत गए तो तुम्हें मिलेंगे 10,000 पॉइंट्स. बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है. तुम और आप सब जल्दी ही अपनी बेब्लेड लेकर क्लिस्टल सिटी पहुंच जाइए. वाओ, यहां पर तो बहुत सारे लोग आए हैं. यहां पर कितनी एनर्जी है, सभी बहुत एक्साइटेड हैं. सबको मैच जीत कर ये 10,000 पॉइंट्स जीतने हैं. जिंगा! ओह, केंटा, बेनके, वाओ, कैसे हो मेरे दोस्त? बढ़िया, मैं सोच रहा था अगर जिंगा यहाँ आया तो टूर्नामेंट में मजा आएगा. कैसे नहीं आता, ये 10,000 पॉइंट जीतने का मौका कैसे छोड़ सकता है? हाँ, जैसे हम भी ये मौका नहीं छोड़ सकते. लगता है हमारे साथ साथ सभी ब्लेडर्स यही बात सोच रहे हैं दोस्तों. देखो, देश के हर कोने से ब्लेडर्स आए हैं और कोई भी नहीं बता सकता कि इस भीड़ में कितने ब्लेडर्स हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते होंगे. ठीक कहा, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई. यहाँ कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा और शानदार मैचेस देखने भी मिलेंगी, ये सोचकर मेरी एनर्जी और बढ़ जाती है. हाँ, ये बात हम अच्छे से जानते हैं जिंगा. हियोमा, हिकारु, हियोमा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा केंटा. हे जिंगा, तुम्हारे साथ दोबारा मैच खेलने का मौका मैं जाने नहीं दूंगी. आ जाओ, मैं तैयार हूँ. बस अब यहाँ कियो या आ जाएगा तो पूरी गैंग इकट्ठा हो जाएगी. अच्छा, गैंग के एक मेंबर को तुम लोग भूल नहीं रहे हो? वाओ, मडोका, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैच देखने आई हूँ और क्या. मैं तुम सबके मुकाबले इंटरनेट पर देखती रहती हूँ और मैं जानती थी कि तुम इस टूर्नामेंट को मिस नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ आ गई. मैं समझ गया. पता है, लाइव में बैटल दिखने का मजा ही कुछ और है. मैंने ठीक कहा ना? हाँ, जब तुम लोग खेलोगे तो मैं सबके लिए चीयर करूंगी. बहुत मजा आएगा. अब तो मैंने तुम्हारे हाथ का बर्गर भी खा लिया है, अब मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी. चलो बताओ, तुम्हारे पास टोटल कितने पॉइंट जमा हुए हैं? मेरे पास है लगभग 22,500 पॉइंट. इतने कम? मेरे पास 25,000 पॉइंट्स है. मेरे पास है 32,000 पॉइंट्स. बोल बोल बोल, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पॉइंट्स है, ये कब हुआ? मेरे पास है 35,000 पॉइंट्स. इसके पास भी मुझसे ज्यादा पॉइंट्स है. तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स है जिंगा? 47,000 के आसपास ही है. क्या? 47,000 पॉइंट्स? मतलब तुम्हारे पास लगभग 50,000 पॉइंट्स है जिंगा. इतने पॉइंट्स का मतलब ये है कि बैटल ब्लेडर्स में सबसे पहला मैच तुम ही खेलोगे जिंगा. हाँ? रुको. हाँ?
दोस्तों। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ 10,000 पॉइंट्स के लिए इस टूर्नामेंट में खेलने क्यों आए हो? तुम्हें घर बैठकर मक्खियाँ मारनी चाहिए थी। यहाँ क्यों आए हो? पॉपकॉर्न खाओ, आराम करो, वापिस जाओ और हम सबको खेलने का मौका दो, समझे? समझे क्या? वापस समझाओ। कभी नहीं। पर क्यों? मुझे मैच खेलना है। हे मडोका, जरा बताओ कि क्योया के पास कितने टोटल पॉइंट्स हैं? एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ। 40,500। क्या? 40,500? वाह क्या बात है! पर उसके पास भी जिंगा जितने पॉइंट्स नहीं है ना? पर ये बहुत अच्छा स्कोर है। और अगर वो ये टूर्नामेंट जीत गए तो 50,000 से ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। वो जल्दी ही यहाँ पहुँच रहा होगा। बोल 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 बोल, किया कहाँ हो तुम? हे सुबासा, मैं इस बार भी सभी ब्लेडर्स को हरा दूंगा, देख लेना। पर हम जिस काम के लिए आए हैं वो मत भूलना। हा हा हा। 10,000 पॉइंट्स जीतने के लिए टूर्नामेंट में बहुत से भूखे शेर आएंगे। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ और इस बात का ध्यान रखो कि वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स मिलते हैं या नहीं। आपको हमेशा लगता है वहाँ शेर होंगे, पर वहाँ सिर्फ भेड़ बकरियाँ होती हैं। अगर वहाँ भेड़ बकरियाँ मिले तब भी सबको हरा कर ही यहाँ वापस आना, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। भेड़ बकरियों को तुम ही हराओ सुबासा। तो इसके बाद तुम क्या करोगे? मैं पॉपकॉर्न खाकर शेर का इंतजार करूंगा, क्या पता कोई आ जाए। किया, मेरे दोस्त, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? शायद वो नहीं आया। मुझे लगता है वो टूर्नामेंट में नहीं आएगा। ओह, वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। तो बताओ मैं कितने मैचेस जीत पाऊंगा? एक मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी किस्मत तभी चमकेगी जब ये पंख दाएं ओर तैरने लगेगा। इसका मतलब है तुम्हें किसी और टूर्नामेंट में जाकर खेलना चाहिए। पर मुझे वो 10,000 पॉइंट्स जीतने हैं। पर इस टूर्नामेंट में मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स खेलने आए हैं। शायद मुझे किसी और जगह जाकर खेलना चाहिए। क्या ये सब सही बताता है? शायद मुझे भी पूछ लेना चाहिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। फ्यूचर बता रहा है? वाओ, क्या ये सच में फ्यूचर देख सकता है? हे, थैंक यू, तुमने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने पिछले मैच में लाल टी शर्ट पहनी और वो मैच में जीत गया। अब से मैं हमेशा सिर्फ वही टी शर्ट पहनूंगा। इसने सही कहा, मैंने अपना ब्लेड बदला और मैं भी मैच जीत गया। मुझे ये जानकर खुशी हुई, पर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने बस वही बताया जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। हे, बताओ मेरे साथ क्या होगा? पहले मुझे बताओ। सुनकर लगता है ये सच में फ्यूचर देख सकता है। हमें भी इससे कुछ पूछना चाहिए। हाँ हाँ, चलो पूछते हैं। तुम लोग इतने बेवकूफ हो, मुझे नहीं मालूम था। क्या बात है किया, तुम आ गए मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हट जाओ। जिस ब्लेडर को अपने टैलेंट के बजाय फ्यूचर बताने वाले पर भरोसा है वो एक अच्छा ब्लेडर नहीं हो सकता। मेहनत करो, दिमाग लगाओ, तब तुम जीत सकते हो और तभी तुम अपने फ्यूचर बना सकते हो। ओए, चिल्लाना बंद कर भाई। ओ, माफ कर दो। तुम आ गया। तुम्हारा नाम जिंगा है ना? हाँ, तुम मुझे जानते हो? हाँ, जिंगा, तुम्हारे बेब्लेड का नाम पेगासस है। तुम्हें यहाँ कौन नहीं जानता? और तुम्हारा दोस्त कियोया भी इस टूर्नामेंट में आ चुका है, क्यों? सही कहा ना? तो क्या हुआ? तो क्या तुम भी एक बेब्लेडर हो? हाँ जिंगा। तो आओ मेरे साथ मुकाबला करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। दोस्त, तुम मुझसे पूरी तरह हारने वाले हो। क्या? ऐसा मत करो किया। तैयार हो जाओ। इसे तो मैं बताता हूँ, हट जाओ। धक्का क्यों दिया? झूठे ढोंगी, तुमने मुझे जो भी बताया सब उसका उल्टा हुआ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बात ठीक से सुने बिना ही चले गए थे। तुमने मुझे कहा साउथ में जाकर टूर्नामेंट में खेलो, पर मैं मैच हार गया। अब तुम कह रहे हो कि मैंने गलत सुना? हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था अगले हफ्ते जाकर खेलना। इस वक्त तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं है। ठीक है, मैच खेलो, अभी पता चल जाएगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। आओ मुकाबला करते हैं।
येलो थर्मल बाइसीज थर्मल बाइसीज किस्मत पलट दो इसे मैच हरा दो और मुझे जिता दो क्या ये क्या यहाँ क्या हुआ कोई बताएगा उसका बेब्लेड उड़ गया और वो भी स्ट्राइक से पहले ऐसा क्या मैं जल्दी वापस आऊंगा बहुत ही अच्छा मूव था हे किसी दिन मेरे साथ भी मैच खेलो ना पर ऐसा मैच नहीं एक ढंग का मैच इतनी जल्दी क्या है किस्मत में लिखा होगा तो जल्दी मिलेंगे हाँ किस्मत तैयार हो जाओ दोस्तों 10,000 बेब्लेड पॉइंट्स के लिए पहला मैच शुरू होने वाला है पहला राउंड शुरू करते हैं थोड़ा और शोर मचाओ दोस्तों क्योंकि हमारा पहला खिलाड़ी आ रहा है मैं कब से इस मैच के शुरू होने का वेट कर रहा था चलो फाइनली बेब्लेड घुमाए दोस्तों इस जोश से अपना जोश बढ़ाओ जिंगा हाँ हाँ उन्हें दिखा दो कि तुम सा कोई नहीं है पता नहीं जिंगा को पहले क्यों भेजा लोगों के शोर से पता चल रहा है कि वो बहुत खुश है सबसे पहले वो प्लेयर आए हैं जिनके पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा पॉइंट है जिंगा और इनके राइवल है वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने फॉर्म पर लिखा है कि ये एक जादूगर है थर्मल पाइसेस चलाने वाले ये है रूटारो ये तो वही है तुम मेरे राइवल हो जिंगो तुम सबके फेवरेट ब्लेडर हो और मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करने का मौका मिला है मुझे नहीं पता था कि पहले तुम आओगे लेकिन मुझे पता था जिंगा मैं ये जानता था कि मुझे अभी लंबे समय तक मैचेस खेलने हैं इसलिए मैं इस शहर में आया हूँ तुम्हें ये सब कैसे पता मेरा फैन मुझे सब बताता है भूल गए मैं फ्यूचर देखता हूँ मैं ये भी जानता हूँ कि आज का मैच मैं ही जीतूंगा ये क्या है मैंने पहली बार सुना है कि कोई ब्लेडर जादूगर भी है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है यानी वो हमसे झूठ बोल रहा था पर तुमने भी तो देखा बेंके याद है उसने तुम्हारे बेब्लेड के बारे में क्या कहा था हाँ याद है वो कैसे हुआ कुछ नहीं बस ये इसकी ट्रिक्स है हाँ पर आज यहाँ इसकी ट्रिक्स नहीं चलेंगी तो बताइए दोस्तों आज का ये मैच कौन जीतेगा सबका फेवरेट प्लेयर जिंगा या नया प्लेयर रूटारो अभी पता चल जाएगा चलिए 10,000 पॉइंट्स के लिए होने वाला पहला मैच शुरू करें 3, 2, 1 लेट इट रिप जाओ पेगासस इसे दिखा दो इसकी किस्मत में क्या है अटैक था ये तो बस शुरुआत है किस्मत मेरे साथ है किस्मत मेरे साथ है किस्मत मेरे साथ है उसने वो कैसे किया ये क्या हो रहा है पाइसिस ने बिना छुए ही पेगासस को हवा में उछाल दिया मैंने ये मूव पहले भी देखा है पेगासस जिंगा खेल में वापस आ गए हैं दोस्तों ये मैजिक है या क्या पता नहीं पर तुम इस मूव से मुझे नहीं हरा पाओगे तो चलो मैं तुम्हें एक नया जादू करके दिखाता हूँ आसमान में उड़ जाओ पाइसीज पाइसीज हवा में उड़ रहा है मैंने ऐसा बेब्लेड लाइफ में कभी नहीं देखा ये क्या हो रहा है बेब्लेड हवा में कैसे उड़ा रहा है मुझे यकीन हो गया है कि सच में उसे जादू इस्तेमाल करने आता है दोस्तों ये कोई जादू नहीं है बेंके इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है तुम ऐसे उदास मत हो जिंगा बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे ऐसा नहीं होगा दोस्त तुम मेरे जादू का सामना नहीं कर सकते जिंगा अपने इस पंख से जरा दो चार और खरगोश निकालो फिर देखेंगे पेगासस तुम तो सच में बेवकूफ हो अब तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी
स्पेशल मूव डिस्टॉर्शन ड्राइव। मैंने मिस कर दिया, अभी और दिखाता हूं। क्या मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब तुम ऐसा मूव देखोगे जो थर्मल पाइसिस के अलावा और कोई नहीं कर सकता। डिस्टॉर्शन ड्राइव ने एक खास स्पेस बना दिया है। खास स्पेस बना दिया, ये क्या कह रहा है? वो हम कहां हैं? ये वही खास स्पेस है जो मेरे पाइसिस ने जादू से बनाया है। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते जेंगा। तुम्हारी गलत फहमी है पेगासस। इस स्पेस में तुम पाइसिस पर अटैक नहीं कर सकते जेंगा। अब चुपचाप हार मान लो। ओ मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? जिंगा को कुछ हो गया है, उसने सर क्यों पकड़ रखा है? ये देखो दोस्तों, ये शेक कर रहा है। मैंने देखा था, जिंगा कुछ समझ नहीं पा रहा था जब पाइसिस शेक करने लगा था। मैं नहीं हार सकता पेगासस। पाइसिस को इस अजीब सी स्पेस से उठाकर बाहर फेंको। तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। तुम्हें क्या हो गया पेगासस? इस स्पेस में सब कुछ मेरे और पाइसिस के हिसाब से हो रहा है। पेगासस यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे जादू में फंस चुके हो जेंगा। आखिर ये हो क्या रहा है? पेगासस पाइसिस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं वो अपनी जगह पर गोल घूम रहा है। अगर ये जादूगर कोई जादू कर रहा है तो इसे मुकाबला नहीं कह सकते। शांत हो जाओ केंटा, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है, समझ गए? पर मुझे कोई एक बात तो बताओ, इस यूटारो का बेबलेट हवा में कैसे उड़ रहा है? मगर इसके पीछे भी साइंस ही है बेनके। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी तो हवा में ही उड़ते हैं ना? मैं सच बताऊं मटर का, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हवा में कैसे उड़ते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, एयरप्लेन्स को उड़ने की पावर उनके एरोडायनामिक्स की वजह से मिलती है। मैं समझ गई। क्या समझी? ये हवा, ये देखो, ये अपने फ्यूजन व्हील की वजह से हवा में इस तरह उड़ रहा है। पाइसिस पर जो फ्यूजन व्हील लगा है ये प्लेन के विंग्स की तरह काम करता है। ये आसपास की हवा के बहाव को बदल सकता है, इसीलिए बाकी बेबलेट्स उड़ गए। तो इसका मतलब है कि वो जादू नहीं कर रहा था? नहीं, ये सिर्फ साइंस है बैंके, इसलिए पेगासस पाइसिस पर अटैक नहीं कर पा रहा है। ये लियोन के जैसा ही है। पाइसिस हवा के बहाव को बदल देता है, इससे इसके आसपास एक शील्ड बन जाती है। मैं समझ गया। अगर लायन गेल फोर्स वॉल अपने ओपोनेंट को दूर फेंक देती है तो पाइसिस की वॉल की वजह से इसका ओपोनेंट टकराए बिना ही इसके पास से गुजर जाता है। पाइसिस एक ऐसा बेबलेट है जो अपने आसपास की हवा का बहाव बदल सकता है, तुम समझ रहे हो? पर जिंगा के सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये भी हवा के कारण ही है? हाँ, हो सकता है, इससे हवा का प्रेशर भी बदलता है। जब तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हो तो तुम्हारे कान सुन पड़ जाते हैं और सर में दर्द होता है। पाइसिस हवा के बहाव के साथ साथ हवा का दबाव भी कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए शायद जिंगा के सर में दर्द हो रहा है। वो अच्छा खिलाड़ी है और ऐसा लगता है कि जिंगा पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, हमें जिंगा से कोई खतरा नहीं होगा। यू पता है जेंगा, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। तुम्हारे फ्यूचर में लिखा है कि तुम और पेगासस ये मुकाबला हारने वाले हो। क्या तुमने कहा मैं हार रहा हूँ? हाँ, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, किस्मत में जो लिखा है वही होगा मेरे दोस्त, इसलिए अभी हार मान लो। कभी नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पेगासस अभी भी घूम रहा है। सच में? मेरा पेगासस अब भी तुमसे लड़ सकता है, इसीलिए मैं भी लड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। जाओ पेगासस। तुम पाइसिस को छू भी नहीं पाओगे। तुमने कहा मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, मैं बदल कर दिखाऊंगा। पेगासस फुल पावर। ये हुई ना बात, पेगासस खेल में वापस आ गया है। जिंगा वापस आ गया क्या? टकराने से हीट पैदा हुई है। पेगासस अपनी पावर को पुश करके घूम रहा है, इससे हीट पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है? दो
लेकिन जिंगा रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। मुझे नहीं पता, मैं बस हारना नहीं चाहता, मैंने कभी हार नहीं मानी। ये क्या हुआ, तुम कौन हो? तुम जिंगा नहीं हो सकते। मैं बस एक बेब्लेडर हूँ। मेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में है मेरे दोस्त, और हर ब्लेडर ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। ये मैच देखकर तो सबके होश उड़ गए होंगे। पेगासस ने पाइसिस को हरा दिया और पहला राउंड जीत लिया। पर ये कैसे हो गया, मेरी डिस्टॉर्शन ड्राइव काम नहीं आई। जिंगा तुम बेस्ट हो। पर ये मैच कैसे जीता? पेगासस ने बहुत ही जबरदस्त हीट पैदा की और उससे कुछ सेकंड्स के लिए वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वजह से स्पेस में हवा नहीं रही, इसलिए पाइसिस कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया। इसीलिए जिंगा सबका फेवरेट है, बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ, ये खेल खेल कर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसने अपनी किस्मत को बदल दिया और मुकाबला जीत लिया। जिंगा, हाँ, इसे कहते हैं एक असली ब्लेडर।